अब बताते हैं कि नगर निगम ने यहाँ के जो ट्री गार्ड्स थे, जो पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए पशुओं से लगाए जाते हैं, वो विधायक पुत्र को खुश करने के लिए यहाँ से हटा लिए हैं। जी, क्या नाम सर आपका? सर मेरा क्या, बोलो जी, बात बताओ क्या बात। आप प्राइवेट आदमी हैं, नगर निगम से हैं? है जी? नगर निगम से हैं? प्राइवेट आदमी है जी। प्राइवेट आदमी हैं, पक्की बात है? है जी। तो आप यहाँ पे पौधे समाज सेवा कर रहे हैं, पौधे लगवा के? अगर आप प्राइवेट आदमी है? नहीं, समाज सेवा है जी ये। अच्छा, तो हाँ जी, हाँ जी सर। आप नौकरी पे नहीं है फिलहाल? नौकरी पे है सर। नौकरी पे? हाँ जी। किसकी नौकरी पे हैं? है जी, किसकी नौकरी पे? नगर निगम के अंदर है जी हम। अभी तो आप कह रहे थे प्राइवेट आदमी हो। समझ आई थी जी। हाँ जी। नाम बोलो सर। नाम क्या सर आपका? नाम जी हरपाल सिंह जी। क्या करते हैं नगर निगम में? माली जी। तो ये ट्री गार्ड आप पार्क से क्यों चुरा के लाए हैं? सर ऐसा जी, आदेश थे ऊपर से जी। किसने आदेश दिए थे? वहाँ लगा दो। किसने आदेश दिए थे पार्क से ट्री गार्ड चुराने? हमारे जो इंस्पेक्टर हैं जी। इंस्पेक्टर का नाम क्या है जी? कालू राम जी। नमस्कार। फरीदाबाद, कहीं से काटने और कहीं बांटने का नाम ही सियासत है, लेकिन इस सियासत के शिकार जब पेड़ पौधे होने लगें तो थोड़ी कोफ्त होती है। मामला बेहद मामूली है और आप भी कहेंगे कि आज सौरभ भारद्वाज क्या राग लेकर बैठ गया, लेकिन पौधों के साथ हुई सियासत से जब विधायक के बेटे का नाम जुड़ने लगे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। वैसे भी पौधों के साथ हुई सियासत ने स्थानीय निवासियों को बेहद आहत किया है। आपको यह पूरा किस्सा बताएं, उससे पहले आप सुनिए यह वायरल ऑडियो। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, ये 11 सेक्टर पार्क के यहाँ से बोल रहे हैं, आपके बालक ट्री गार्ड उखाड़ लाए, कह रहे हैं आपने उनसे बात करो। पैसा जी, नितिन नहीं है जो? कौन? विधायक जी का लड़का। इनका मूलचंद जी का? नहीं नहीं, ये गुप्ता जी का। अच्छा। उन्होंने बोला हमसे, और वो वहाँ लगाए रोड के साथ, जो जेसीबी से गड्ढे नहीं कराए मेन रोड के साथ साथ। नहीं तो फिर वो जो वहाँ से उखाड़े उन पेड़ों का क्या होगा? नहीं, वो तो पार्क के अंदर है, उनमें तो वो तो पार्क के अंदर है। पार्क के अंदर है, लेकिन उनमें रास्ता तो पार्क में से हो रहा है, ट्रक ट्रैक्टर में निकल जाए। भाई साहब, इस बारे में देखो, उनसे बात करो, हमसे तो उन्होंने कहा है। आप कौन हो? हेड वाली? नहीं, रामलाल है जी। हाँ। आप कौन हो? स्टोर पे है। स्टोर पे जी? स्टोर पे। हाँ जी। कौन से स्टोर पे? सेक्टर 7 नर्सरी। सेक्टर 7 स्टोर कौन सा? कृषि का? किसका? हाँ जी, अपना नगर निगम नर्सरी का। नगर निगम स्टोर पे हो? हाँ जी। और ये जो खड़े हैं, ये लेबर बेचारी है क्या, कौन है ये? हाँ, ये कर्मचारी है हमारे। पक्के कर्मचारी है? हाँ जी। अच्छा, तो भैया उनका कैसे करें, उनका ये बताओ। भाई साहब ऐसा है, हाँ देखो, हमने तो करनी अपनी नौकरी। अच्छा। अब हमें तो आप जैसे करोगे ऐसे करवा दो, किसी विधायक से कहवा दो तो वैसे कर देंगे। ठीक है। अब हमसे उसने पर्सनली पार्क में कल ले जाके कहा है। ठीक है। तो आपने नहीं क्या बोला कि ये देखो भाजी, ये रास्ता हुआ पड़ा है, आपको भाई साहब, आप सुनो मेरी बात, मेरे फोन में आप मैसेज देखना, मैंने मैसेज क्या किया नितिन के पास आज। अच्छा। मैंने उससे ये कहा कि आप इसमें प्लांटेशन करा रहे हो, हमने पौधे भी लगवाए कल इसमें। हाँ। और इसमें आवारा पशु घुसते हैं, जो पौधों को खा जाएंगे, कोई फायदा नहीं इन पौधे लगाने का। उन्होंने कहा कि भाई एस्टिमेट बना दिया गया है, इसे बंद कराएंगे, पर इस उन्होंने मैसेज किया मेरे पास। अच्छा। जो तो, तरीका ये होता है, पहले एरिया पहले बंद हो जाता तो उसके बाद उखड़ जाते। वही बड़े भाई, वही मैं कह रहा हूँ, तरीका ये होता है, पहले एरिया कवर्ड हो उसके बाद पौधे लगे। ठीक है। बाकी क्या करें जी, मजबूर हम भी। ठीक है सर। ठीक है जी। जैसा कि आपने सुना, यह ऑडियो है, इस मामले में जायजा लेने पहुंचे कैमरामैन संदीप कुमार और नगर निगम फरीदाबाद के हॉर्टिकल्चर स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी का। आइए अब आपको सुनाते हैं पूरा वाकया। सेक्टर 11 में एक पार्क है, मिलन वाटिका के पीछे की तरफ। ओल्ड फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपना नया कार्यालय इसके पास ही में शिफ्ट किया है। पापा के नए ऑफिस का रास्ता साफ सुंदर हो जाए, इसके लिए श्री गुप्ता के बेटे नितिन गुप्ता मिलन वाटिका के सामने की ओर सड़क किनारे कुछ पौधारोपण करवा रहे हैं। ये पौधे सुरक्षित रहें, इसके लिए ज़रूरत थी ट्री गार्ड की। अब भ्रष्टाचार से पूरी तरह नंगे हो चुके नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों ने स्टोर में ट्री गार्ड न होने की दुहाई दी, तो पास ही के पार्क में पेड़ों की सुरक्षा के लिए लगाए गए ट्री गार्ड उखड़वाकर इन नए रोपे गए पौधों की सुरक्षा के लिए मंगवा लिए गए। अब आप बताएं, पार्क के पौधों की सुरक्षा कैसे होगी? वैसे आप पूछ सकते हैं कि पार्क में ट्री गार्ड का क्या काम, उसमें तो चार दीवारी होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पार्क अभी नाम का ही पार्क बना है, न यहाँ दरवाजे हैं, न बैठने के लिए बेंच, दीवारें और फुटपाथ टूटी पड़ी है। पेड़ों के नाम पर चार पत्ते लहराते हैं,
भैंसों का जब मन होता है यहाँ आकर चर जाती हैं। ऐसे पार्क में भी अगर स्थानीय निवासी अपने भरसक प्रयासों से पेड़ उगाने और उन्हें पालने का जतन करें तो उस पर भी सियासत हो रही है। वैसे निगम की लापरवाही का नमूना यह है कि शहर में बहुत सी जगह ट्री गार्ड बिखरे पड़े हैं। 9-10 के डिवाइडिंग पर ही देखें तो आपको बहुत सी जगह ये ट्री गार्ड बिखरे दिखेंगे। लोगों ने तो इनका अपने हिसाब से इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। वैसे ये ट्री गार्ड ज़्यादा महंगा सौदा भी नहीं है। एक ट्री गार्ड सेट कोई 1500-1600 रुपये कॉस्ट करता है। शहर को करोड़ों की सफाई मशीन का तोहफा देने वाले विधायक जी के सुपुत्र कम से कम पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपनी जेब से ही 20-30 हज़ार रुपये खर्च कर भी देते तो भी क्या फ़र्क पड़ता। इस मामले में जब हमने नितिन गुप्ता से बात करनी चाहिए तो हमारा फ़ोन पिक नहीं हुआ। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं स्थानीय निवासी। नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग खड़े हैं सेक्टर 11 के इस पार्क में जहां से खबर है कि ट्री गार्ड उठा लिए गए हैं। यहीं स्थानीय निवासी हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, अंकल जी हैं, पीसी शर्मा जी, पुराने अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से, बात करेंगे इन्हीं के साथ। शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी क्या है ये मामला? ऐसा है, 4-5 साल से हमने मेहनत करके ये पार्क बनाया है और पार्क में पौधे वौधे लगवाए, राजस्थान एसोसिएशन ने लगवाए हैं, ट्री गार्ड भी लगे हुए थे। फिर मुझे अचानक मुझे खबर मिली कि भी ट्री गार्ड है नहीं, वहाँ में किसी ने उठा लिए। फिर आज की घटना है तो? ये तो आज की घटना है। हमने फिर इनसे इधर उधर देखा तो भी कोई बाहर के लोग तो नहीं उठा ले गए। फिर हमने देखा कि भी हम अपनी बाउंड्री के अंदर ही यहाँ मेन रोड पर ही डिवाइडिंग रोड है जो ए और बी की, उस पर वो लोग कुछ आदमी इनके महकमे के जो वहाँ ट्री गार्ड लगा रहे थे। हमने उनसे पूछा भाई आपने ट्री गार्ड क्यों उठाए, और मंगवा लेते। तो कहने लगे जी ऐसे ऐसे हमारे ऊपर से ऑर्डर हैं। तो भैया मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करता, फिर ऐसा कि भाई इनको इनसे और मंजूर ला के और इनसे और मंगवाए जाएं और इन ट्री गार्ड लगाए जाएं, क्योंकि हमारे चारों तरफ से दीवार टूटी हुई है, मवेशी आते हैं यहाँ में ट्री गार्ड को इन पेड़ों को खा जाते हैं। कई बार पेड़ लगवा लिए, क्या फ़ायदा जब तक कि उसकी बाहर की प्रोटेक्शन नहीं हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भी इसमें फुटपाथ की रिपेयर कराई जाए और चारों तरफ की जो दीवार हैं वो ठीक कराए, दुरुस्त कराई जाए, जो जहाँ जहाँ दरवाजे नहीं हैं वहाँ दरवाजे लगाए जाएँ। नमस्कार फरीदाबाद, हमारे साथ हैं युवा नेता भाई गौरव चौधरी और उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। बड़ा मसला है नगर निगम की, तो खैर कहानियाँ किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं फरीदाबाद नगर निगम के। भाई गौरव चौधरी के साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस सब के पीछे क्या राजनीति हो रही। गौरव भाई कैसा मामला है? देखिए मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरे पास RW से फ़ोन आया था 11 सेक्टर की, उन्होंने बताया कि ये पार्क को सौंदर्यीकरण करने के लिए वो पिछले 20 साल से प्रयासरत हैं और आप देख सकते हैं ये पार्क कितनी दयनीय स्थिति में है, चारों तरफ से टूटा हुआ है। यहाँ पे पशु, ट्रैक्टर, आप देख सकते हैं ट्रक सामने खड़े हैं, ये भी अंदर घुस जाते हैं। तो इन लोगों ने अपनी खुद की जमा पूंजी से, राशि से इसका सौंदर्यीकरण करने की कोशिश करी, कुछ पेड़ भी लगाए, नगर निगम ने उनकी मदद करी तो उसके लिए गार्ड वगैरह उपलब्ध करवाए गए। अब बताते हैं कि नगर निगम ने यहाँ के जो ट्री गार्ड्स थे, जो पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए पशुओं से लगाए जाते हैं, वो विधायक पुत्र को खुश करने के लिए यहाँ से हटा लिए हैं। अब यहाँ के लोगों का ये सवाल है कि नगर निगम इन लोगों के पैसे से चलता है कि विधायक पुत्र को खुश करने के लिए रखा गया है? देखिए फरीदाबाद का जो नगर निगम है, एक तरफ तो घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं, 50 करोड़ रुपए का घोटाला आप लोगों के सामने है, उसकी जांच अभी चली रही थी कि सुनियोजित तरीके से नगर निगम के दफ्तर में आग लगाई जाती है। बताते हैं आग लगाने से 4 दिन पहले उसकी CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो ये सब जांच का विषय है। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो घोटाले हो रहे हैं नगर निगम में और दूसरी तरफ उन घोटालों को दबाने के लिए विधायक और विधायक के पुत्रों को खुश किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। अभी मैं खुद 4 सेक्टर से आ रहा हूँ, वहाँ पे पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं है, लोग दयनीय स्थिति में हैं, लोगों के घर के अंदर पानी घुस रहा है कोविड जैसी महामारी के चलते, वहाँ पे और अन्य बीमारियाँ होने की स्थिति पैदा हो गई है। ओल्ड फरीदाबाद जाएँ तो
तो वहाँ पे सड़क की हालत इतनी दूभर है कि लोग वहाँ से मकान बेच करके दूसरे शहर में जाने को उतारू हैं। तो इस शहर में नेता सुस्त हैं और अधिकारी मस्त हैं। ये जो छोटा सा मामला था पेड़ का, ट्री गार्ड ये हटा लिए गए विधायक के बेटे के कहने पर, जैसा कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि उनके पास विधायक के बेटे का निर्देश था। तो अब ये बड़ा मतलब एक बहुत विचित्र सा मामला है इस शहर के लिए। नगर निगम के पास क्या इतनी व्यवस्था नहीं कि दस बारह ट्री गार्ड्स वो अपने हिसाब से नगर निगम के पास क्या इतनी व्यवस्था नहीं कि वो 10-12 ट्री गार्ड अपने फंड से जुटाकर या विधायक अपने फंड से जुटाकर अपनी जगह पर लगवा लें, बजाय यहाँ इन पेड़ पौधों की रक्षा के लिए जो ट्री गार्ड लगे हैं कम से कम उन्हें तो बख्शा जाए। देखिए, बात व्यवस्था की नहीं है, बात नियत और मंशा की है। यहाँ नगर निगम पे फंड की तो बात करें तो 50 करोड़ का घोटाला हो गया, वो क्या फंड की कमी के लिए हुआ क्या? वो एक मंशा होती है अधिकारियों की, प्रशासन की, सरकार की, नेतागण की। वो मंशा नहीं है लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने की, मंशा नहीं है भाजपा सरकार की। कोविड महामारी के चलते हम लोगों ने देखा कि कैसे गरीब दर दर भटकता फिरा, तो मंशा नहीं है सरकार की। अब यहाँ पे RW इकट्ठी है, ये लोग आपके सामने खड़े हैं, परेशान हैं, खारा पानी आता है। इन लोगों ने अपने प्रयासों के चलते इस पार्क, आप इस पार्क की पहले तो स्थिति दिखाइए लोगों को कि ये पार्क कितनी दयनीय स्थिति में है। फिलहाल भी कहने को तो नाम के पैसे ग्रांट लेने के लिए यहाँ पे ये मशीनें लगा दी गई, लेकिन क्या कोई आदमी यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है? आप खुद देखिए यहाँ पे, ये देखिए गोबर पड़ा है, ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कैसा पार्क है। यहाँ पे आदमी अगर एक्सरसाइज करेगा तो और बीमार होगा। सिर्फ पैसा आ जाए, ग्रांट आ जाए उसके नाम पर, यहाँ पे मैं आपको ऐसी जगह लेकर के चलता हूँ अभी जहाँ पे सारी मशीनें लगी हुई हैं कूड़े के ढेर के अंदर। 7 सेक्टर में सत्या पैलेस के साथ में कूड़े का ढेर है, उसके अंदर ये मशीनें लगाई हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ऊपर से पैसा आ जाए। उसको दिखा करके मशीनें लगाई 50 रुपये की, ऊपर से ले लिए 500 रुपये, और बस यही काम चल रहा है इस शहर में। फरीदाबाद आपको फिर जोड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Oh.